मोबाइल मोबाइल पे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो यही क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग, ये लड़का एग्जाम दे रहा है, 8 मिनट हो गए हैं एग्जाम दिए हुए, ये क्वेश्चन रहा, ये ऑप्शन रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जितने भी हैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो लगा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, ताकि अभी आपको फायदा हो। एक और बात भाई, आप लोग बस मारुति 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 क्यों किया रहते हो भाई, होंडा भी बेस्ट कंपनी है, ठीक है, सैलरी 20,000 रुपये देती है 22 घंटे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा बाबू छपरा बिहार से, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मारुति सुजुकी में जो टेक्निकल क्वेश्चन बिहेवियर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका एग्जाम कैसे देना है, पास कैसे होना है, 100% पास होंगे, ये वीडियो बस पूरा देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता दें, जितने लोग TW का फॉर्म भर चुके हैं ये उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, या फिर जितने लोग भरने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। TW हो या CW हो, क्वेश्चन यही आता है बिहेवियर से, समझ रहे ना बिहेवियर मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिहेवियर से लेकर के। एक नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप शिफ्ट के दौरान खड़े होकर काम कर सकते हैं, तो हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वहाँ पे यस का ऑप्शन होगा, यस मानना होगा। दो नंबर, क्या आप अपने दोस्तों के बिना अकेले काम कर सकते हैं, जैसे गांव के दोस्त हैं उनके बिना अकेले काम कर सकते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर जैसा भी हो यहाँ पे आंसर देना है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तीन नंबर, आप अपने शहर से दूर काम करने के लिए तैयार हैं, तो यस डालना है, ठीक है। रोजाना लंबे समय तक यात्रा करने के लिए तैयार हैं, तो यस तैयार है। ये जैसे बिहेवियर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, टेक्निकल या फिर जो क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपने बाद में नोट बना लीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, रोजाना लंबे समय तक यात्रा करने को तैयार है, तो यस मैं तैयार हूँ। प्रबंधक अपने एक दिन के लिए सुबह जल्दी आने के लिए कहें, तो क्या आप आ सकते हैं, तो हाँ मैं आ सकता हूँ, ठीक है, आई विल रीच ऑन द टाइम, ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो वहाँ पर दे देना है। क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े, यदि आपको आवश्यकता हो तो, ठीक है, क्या डालना है, आई विल वर्क, ठीक है। छह नंबर क्वेश्चन हो गया। सात नंबर, आप काम को कितना महत्व देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट देंगे नहीं देंगे, क्या मतलब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण देंगे। नंबर क्वेश्चन है, अगर काम के दौरान आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, आप मतलब काम कर रहे हैं किसी, तो कोई बाधा आ रही है तो उस समय क्या करेंगे, आई विल टेल माई मैनेजर, मैनेजर से बोलेंगे, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन, क्या होगा यदि आपको आवश्यकता पड़ने पर देर रात की पाली में काम करना पड़े, ठीक है, आई विल वर्क, मतलब मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, अगर ये चाहते हैं, ये सारा स्क्रीनशॉट है तो इस जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। आप अगर आपको टीम का लीडर बनाया जाए तो आप अपनी टीम के साथ कैसे काम करेंगे, ठीक है, अगर आपको टीम का लीडर बना दिया जाए तो आप टीम के साथ कैसे काम करेंगे, आई विल मेक देन लर्न हाउ टू विल इन टीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप कितनी बार लोगों से नाराज होते हैं, तो भाई एक बार भी नहीं नाराज होते हैं, हम तो सीधा सा बटन लड़के हैं, मासूम, ठीक है, ऑप्शन देना है, आंसर क्या देना है, नेवर, कभी नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या आप दूसरों से समर्थन मांगते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, जैसा सिचुएशन है वैसा आंसर देना है, ठीक है, इस पे ऑप्शन आंसर मारना है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या आप टीम के हिस्से के रूप में काम करना पसंद करेंगे, तो यस भाई, मारुति कंपनी में लाइन पे काम होता है, असेंबली में सारा काम टीम पे ही होता है, ऐसा नहीं कि सर जी मैं शनिवार को नहीं आऊंगा संडे को आऊंगा, ठीक है, तो टीम में काम करना होता है, ठीक है, यस। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि आपके सहकर्मी बगल वाली सीट पर बैठ कर बहुत जोर जोर से बात करें तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आई विल टेल प्लीज टेल लिटिल ए स्लोली, मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई स्लो बात कर ले, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर, क्या आप ब्रेक के बाद काम पर तुरंत लौट जाना है, यस, ठीक है, यस मानना है, क्योंकि मारुति सुजुकी में 7.5 मिनट का ही टी ब्रेक होता है, 7.5 मिनट में आप लोग हाथ धोना है, दो बार जाएंगे तो आएंगे तो नाश्ता करके फिर लाइन पे पहुंच जाना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर, क्या होगा यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो, ठीक है, ऐसा तो नहीं बीमार पड़ गए तो, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं बीमार पड़ गए हैं तो, लेकिन आंसर क्या मानना है, आई कंसल्ट द डॉक्टर एंड डू अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, समय का प्रबंध करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आपका सीनियर आपको डांटो तो क्या करेंगे, ठीक है, वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आंसर देना है ही विल बी क्विट, मतलब कि सुन करके और साइड हो जाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर, क्या आपका अपने सहकर्मी से झगड़ा हुआ है, नेवर, मतलब कभी नहीं हुआ है वैसे तो आप लोग, लेकिन ऑप्शन मानना है नहीं।
20 नंबर क्वेश्चन लास्ट बिहेवियर का, 20 नंबर क्वेश्चन समय पर ऑफिस पहुंचना आपके लिए कितना जरूरी है, ठीक है। अब आप डिपेंड करते हैं समय पर ऑफिस पहुंचना कितना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखिए यहाँ पे बिहेवियर का क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब आता है टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आता है टेक्निकल क्वेश्चन, जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम अब मारुति सुजुकी ऑनलाइन जॉब लेती थी तब यही क्वेश्चन देती थी, ठीक है। अगर आपका मोबाइल पे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो यही क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग, ये लड़का एग्जाम दे रहा है, 8 मिनट हो गए हैं एग्जाम दिए हुए, ये क्वेश्चन रहा, ये ऑप्शन रहा, ठीक है। ईमेल पे मैसेज आएगा, उस मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट तभी करें, एक ये वीडियो देखने के बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8 मिनट हो गए हैं एग्जाम दिए हुए, ये क्वेश्चन रहा, ये ऑप्शन रहा, ठीक है। ईमेल पे मैसेज आएगा, उस मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट तभी करें, एक ये वीडियो देखने के बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका भाग्य सही रहा तो बस बिहेवियर का क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप भाई पूरा बैकअप बना लें, ठीक है। एक और सुनिए, ये एग्जाम देते समय कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है, कैमरा ऑन रहेगा, पीछे किसी का मुंडी नहीं दिखना चाहिए, किसी का फेस नहीं आना चाहिए। अगर मुंडी आ गया, फेस आ गया, भाई 100% रिजेक्ट कर दिए जाओगे। कब इंटरव्यू में आओगे, मेडिकल में आओगे, भाई रिप्ले करके, जल्दी जल्दी रिप्ले करके चेक कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो किसी का मुंडी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुंडी का मेरा दो दोस्त छटा हुआ है, बस किसी का मुंडी आ गया था इसके वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये स्क्रीन शॉट जितने भी हैं यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको 50 निकास नालियाँ स्थापित करने के लिए दी गई है, लेकिन उनमें से 22 निकास नालियाँ खराब है, आप कितने निकास नाली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये माइनस करना है, 50 में से 22 माइनस कर दिया, 28 क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन बी पे है, ठीक है। मतलब ये देखिए क्वेश्चन यही है, यही आएगा, चेंज होता है, तो आप लोग देखिए इसी लेवल से होता है, ठीक है। अब रहा एक और, नीचे दिए गए चित्र एक गाड़ी के असेंबल में प्रयोग किए गए पिस्टन का है, विकल्प में से उस चित्र को पहचाने जो पिस्टन उल्टा घुमाए जाने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर इन ए कार एज पर द रूल ग्लो, मतलब कि आपको एक विशेष अनुक्रम में 3 घटक पी क्यू आर को असेंबल करना है। आर को क्यू से पहले असेंबल किया जाना चाहिए, पी के बाद क्यू को असेंबल नहीं किया जाना चाहिए, घटक को असेंबल करने का सही कसम क्या है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी एक कर्मचारी को काम के लिए प्रतिदिन 600 रुपये वेतन देती है, काम पूरा करने के लिए उस कर्मचारी को 8 दिन काम करना होगा, कर्मचारी को कुल कितना वेतन होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 600 रुपये पर डे मिल रहा है, 8 दिन काम करना है, 8×6 48,000 रुपये, ऑप्शन डी। लेकिन ये बंदा ऑप्शन बी मारा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इनके प्रति एक थैंक्स लिख दीजिएगा कॉमेंट में। एक सप्लायर लॉट में अगर हर 5 पुर्जों में 2 पुर्जे खराब है तो 20 पुर्जों के लॉट में कितने पुर्जे खराब होंगे, 5 में 2 खराब मतलब 5 में 3 निमन तो 10 में 6 निमन तो 20 में 12 निमन, ऑप्शन डी 12 ठीक होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु को पहचाने जो बाकी 3 वस्तुओं से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये एक मोटर है, मोटर में रेड वायर है, तीनों में रेड वायर है, एक में ब्लैक वायर है, ठीक है, तो भाई ब्लैक वायर वाला ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित क्रमानुसार खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो एक है 12 पे 6 पे 3 पे, अब आएगा 9 पे, 9 पे 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, आपका सुपरवाइजर आपको एक पैकेज देता है जिसमें से 20 पुर्जे हैं, वह आपको 25 ऐसे पैकेज की जांच करने के लिए कहता है, आप कुल कितने पुर्जे की जांच करेंगे, ठीक है। तो 25×20 25×50 500 पुर्जे, ठीक है, ये बंदा 50 मारा है लेकिन ऑप्शन होगा 500 पुर्जे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घटक का चयन करें जिसके ऊपर दिए गए कोड के समान कोड को मुद्रित किया गया है, ठीक है। ऊपर देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कंपोनेंट ए का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब नीचे और आपको दिखा दें, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प फिट होगा चित्र ए को आयत बनाने के लिए, ठीक है, इसको आयत बनाना है, तो भाई बी ऑप्शन सही होगा, आयत बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु को पहचाने जो बाकी सभी से अलग है, ठीक है। ये देखिए एक स्टार है, स्टार के अंदर होल है, ठीक है, स्टार के अंदर होल है,
और जो ऑप्शन ए पे है वो होल नहीं, वो भाई फट गया, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रमानुसार खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? ये जो ब्लैक वाला है पहले 6 पे है, फिर 3 पे है, फिर 12 पे है, फिर 9 पे जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्त ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 60 निकास नालियां स्थापित करने के लिए दी गई है, लेकिन उनमें से 32 निकास नालियां खराब है, आप कितने निकास नालियों का प्रयोग करेंगे? तो 60-32 बराबर कितना होता है? 28, ऑप्शन ए। भाई बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग सोचे कि आप लोग साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग बता दें, अगर आप भाई फॉर्म भरे हैं, अगर आपका कॉल आया है, बहुत ही लक्की हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का कॉल नहीं आता है, तो एग्ज़ाम हो गया रहता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है। आप लोग प्रॉपर सही से फॉर्म भरे हैं, सही से टेक्निकल बिहेवियर का एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, इसको क्रैक कीजिए। क्रैक क्या करना है भाई, जब वीडियो देखेंगे तो 100% सक्सेस वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल का मानसिक वेतन एक कंपनी में 7,000 रुपये है, अगर उसने कंपनी में केवल 4 महीने काम किया तो उसने कुल कितना कमाया? तो 7,28,000 रुपये भाई कमाया, ऑप्शन बी। भाई ने ऑप्शन सी मारा है, ऑप्शन बी मारना है, ठीक, 28,000 रुपये कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष पैकेज में ए प्रकार के 30 घटक और बी प्रकार के 60 घटक, पैकेज में कुल घटकों की संख्या कितनी है? ठीक है, पैकेज में कुल 30 घटक, बी पर 20 में 60 घटक, तो भाई 90 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे जो लगा रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, ताकि अभी आपको फायदा हो। उस नंबर प्लेट को पहचाने जो बाकी से अलग है, ठीक है, तो बी 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 76676 5W 5W 1K 1K 1W आंसर राइट आंसर 9 का D, ऑप्शन 9 का D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों का एक दल कार असेंबल पर काम करना शुरू कर देता है और 4 घंटे काम करता है, फिर उनकी जगह कर्मचारियों का एक और दल आता है और उसी कार पर 3 घंटे काम करता है, इस दल के बाद फिर एक और दल आता है और उसी कार को 6 घंटे काम करता है, कार को असेंबल करने में कुल कितना घंटा लगा? पहले आया था 4 घंटा किया, फिर 3 घंटा, फिर 9 घंटा, 4, 3, 7, 6, 6, 6, 12, 13, कुल 13 घंटा काम हुआ उस कार पे, उस मतलब कि जो भी वस्तु को पहचाने जो बाकी 4-3 वस्तुओं से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ये है क्रैंक। जैसे कि क्रैंक, क्रैंक में जो लगता है कौन रोड, ठीक है, ये क्रैंक नहीं है, ये कौन रोड है और ये लगता है क्रैंक में घुमाने के लिए। तो सब में देखिए एक होल है और एक में 2 होल है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अभी आप लोगों के साथ टेक्निकल और बिहेवियर दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आप लोगों के बीच वो होगा मेडिकल कैसे होता है, जिनका आई वो थोड़ा वो है कलर ब्राइंडनेस, कलर जो भी होता है, जो चश्मे लगा रहे हैं, मेडिकल कैसे होता है, RT-PCR कैसे होता है, ये सब आप लोगों के लिए बताएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों के साथ नोटिफिकेशन आता है मारुति सुजुकी की तरफ से, वो आप लोग इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ठीक, आप लोग को प्रॉपर मैं बताऊंगा। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कीजिएगा ही, लाइक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार होता हूँ, ठीक है, लाइक नहीं करते हैं तो भाई थोड़ा यो होता है। और कुछ भी अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऐसे ही हीरो होंडा मारुति का कैंपस देखने के लिए, परमानेंट का कैंपस देखने के लिए। और एक और बात भाई, आप लोग बस मारुति 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 क्यों किया रहते हो भाई, होंडा भी बेस्ट कंपनी है, ठीक है, सैलरी 20,000 रुपये देती है 22 घंटे का। दूसरी बात, 160 रुपये घंटा ओवर टाइम है, अगर शनिवार को ड्यूटी करने जाते हैं तो 1500 रुपये 1600 रुपये बनते हैं, ठीक है, काम वही है। मारुति में 55 सेकंड में एक गाड़ी बनती है, वहाँ पे 3.5 मिनट में एक गाड़ी बनती है, वहाँ पे आप मशीन शॉप में भी जा सकते हैं, फुल मजे है भाई। मैं मशीन शॉप में था होंडा 4-व्हीलर में जो टप्पू करा में है, ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।